भाई जब जॉब करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं ना, मन में सवाल होता है कि भाई जॉब तो स्टार्ट कर दी है और बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, अच्छे पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्या करें? ऐसा क्या नया करें कि जो अपने आप कस्टमर हमारे पास आए? ऐसे जान पहचान के थे, जो रिलेटिव थे, उन सबको पॉलिसी बेच ली, अब नए कस्टमर कहाँ से लाए? ये सवाल अक्सर आप सभी के मन में चलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी चीज पर निर्भर है कि आप कैसे अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं, जो आपकी पर्सनल मार्केट थी, जो आपके रिलेटिव्स थे, उन सबको आप पॉलिसी बेचने के बाद नए कस्टमर आप कहां से ढूंढे, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार। होता क्या है कि हम कोई भी सेक्टर में काम करते हैं, ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप किसी भी सेक्टर में हैं तो आपको क्लाइंट की जरूरत होती है, कस्टमर की जरूरत होती है। मेहनत करते हैं लेकिन कस्टमर नहीं मिलते हैं। कौन से तरीके होंगे जिससे हम कस्टमर ढूंढ पाएंगे? हम सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, राइट? कहीं घर घर जाके पॉलिसी बेचते हैं या कुछ दूसरे तरीके अपनाते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं आ पाते। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपने देखा है, सबसे पहले तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मार्केट में आपने देखा है, जब जियो ने एंट्री ली थी, जियो मार्केट में आया था, बड़ी बड़ी कंपनियां हिल गई थी, आइडिया उसमें घुस गया, वो उसमें घुस गया, वो उसमें घुस गया, लेकिन दोस्तों सिर्फ उस टाइम पे सारी कंपनियों के टावर हिल गए थे, और उस टाइम पे कौन खड़ा था? सिर्फ एयरटेल। एयरटेल खड़ा था, जो अकेले हिम्मत करके खड़ा था, और उसने हिम्मत दिखाई, मार्केट में डटा रहा। आज आप चेक कर सकते हो, आज आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, जियो की क्वालिटी चेक कीजिए और आप एयरटेल की क्वालिटी चेक कीजिए। लेकिन दोस्तों आप जरा सोचिए, अगर उस टाइम पर एयरटेल भी हिम्मत हार जाता और एयरटेल सोचता कि भाई जियो तो हाथी है, हाथी के सामने कैसे मैं रुक पाऊंगा, एयरटेल भी हिम्मत हार जाता, तो क्या आज वो यहां तक पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसी तरीके से आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है। आपको आज कस्टमर नहीं मिल पा रहे, कोई बात नहीं, कल आपको कुछ ऐसा तरीका अपनाना है जिससे आपके पास कस्टमर की बरसात हो, आपके पास इतने कस्टमर्स आए कि आप संभाल भी ना पाए। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं। आप देखिए धीरू भाई अंबानी कहां से कहां पहुंचे। धीरू भाई अंबानी ने अपनी मेहनत से इतनी मेहनत की कि आज उनके पास जितनी दौलत है, उनके बच्चों के पास जितनी दौलत है, कहाँ वो पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये सिर्फ उनका विश्वास था। अगर आपको अपने आप में विश्वास है, आपको ये जानकारी है कि भाई अगला कुछ ना कुछ गलती करेगा, आपको उस गलती को पकड़ना है और अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, तो दोस्तों आप जरूर नए कस्टमर भी ढूंढेंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं पहला पॉइंट। दोस्तों सबसे पहला तरीका आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया के द्वारा कस्टमर मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि सोशल मीडिया के द्वारा आपको इतने कस्टमर्स मिलेंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, लेकिन आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जो कचरा भरा पड़ा है ना, आपने जो छिछोरी हरकत कर रखी है, वहां पे सोशल मीडिया, फेसबुक पे आपने इस तरीके की पोस्ट डाल रखी है, वहां से बिजनेस नहीं आएगा। एक अलग प्रोफेशनल अपना अकाउंट बनाएं, अपना प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करें, जहां पर आप सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड ही पोस्ट डालेंगे, अपने बिजनेस से रिलेटेड ही वीडियो डालेंगे। तो आपको ये सब आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटाना है, नया अकाउंट बनाएं, अपने बिजनेस से रिलेटेड बनाएं, उस पर उसी बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट डालें, नई नई एक्टिविटी डालें, नई नई वीडियोज डालें। जब दोस्तों आप देखते हो ना कि अगर आपके अकाउंट में वो क्वालिटी है, तो गूगल हो गया या दूसरे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो आपके प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक रिकमेंड करेंगे। गूगल का जो एल्गोरिथम है, वो आपके प्रोडक्ट को, आपके अकाउंट को, आपकी वीडियोज को दूसरों को रिकमेंड करेगा, लेकिन वो तभी जब आपके अकाउंट में, आपकी वीडियोज में, आपके प्रोडक्ट में दम होगा। तो आपको अच्छी क्वालिटी के साथ में अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है, फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट डालें। तो पहले आपको सोशल मीडिया का यूज करना है। दूसरा होता है दोस्तों ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग देखो लिखने में कितनी ताकत है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक रास्ते से एक आदमी जा रहा था, तो उसने देखा कि एक बेचारा अंधा बैठा हुआ है रास्ते में, और उसने साइड में एक बोर्ड रखा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए। अब लोग वहां से आ रहे थे, गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसके कटोरे में कोई सिक्का नहीं डाला। अब एक आदमी उधर से गुजरा, उसने देखा कि भाई ये बैठा हुआ है, तो उसने आकर उस अंधे आदमी को बोला कि ऐसा है कि मैं आपके इस बोर्ड को चेंज कर देता हूं। तो उसने उस बोर्ड को चेंज किया और उसने उस पर लिखा कि आज कितना सुंदर दिन है, आज कितना सुंदर दिन है, काश मैं इसे देख पाता। उसने ऐसा उस अंधे आदमी के बोर्ड पर लिखा और वो वहां से चला गया।
जब फिर वहां से लोग गुजरने स्टार्ट हो गए, लोगों ने देखा कि भाई बोर्ड पे लिखा हुआ है आज कितना सुंदर दिन है, काश मैं इसे देख पाता, तो वहां पर पैसों की बरसात होने लगी। उसके कटोरे में इतने पैसे आ गए कि बहुत ज्यादा लोगों ने उसमें दान देना स्टार्ट कर दिया। वो आदमी फिर आया तो उस अंधे आदमी ने उसके चाल ढाल से उसको पहचाना, उससे पूछा कि भाई आप उस दिन आए थे, आपके आने से पहले मेरे पास एक पैसा भी नहीं था और आप मेरे पास आए और आपने इस मेरी तख्ती पर ऐसा क्या लिखा जो मेरे पास पैसों की बरसात हो गई। उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने वही लिखा जो पहले लिखा हुआ था, बस उसके तरीके को बदल दिया। उस पर पहले आपने लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूं, मेरी मदद कीजिए, मैंने उसको बदल के लिखा आज कितना सुंदर दिन है, काश मैं इसे देख पाता। बस ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। तो दोस्तों, आपको डाटा क्रिएट करना है, एक क्वालिटी डाटा क्रिएट करना है, मार्केट से डाटा परचेज नहीं करना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट, और उस पर आपको मेल करना है, बल्क ईमेल करना है आपको। लेकिन वो कैसे कर पाएंगे, आप अपना खुद का डाटा क्रिएट करें, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें। अगर नहीं आता है डिजिटल मार्केटिंग तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं या फिर ऊपर आई बटन में दे देता हूं, वहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये दूसरा तरीका था ईमेल मार्केटिंग। तीसरा तरीका है दोस्तों टेली मार्केटिंग। भाई टेली मार्केटिंग में भी बहुत ताकत है, और टेली मार्केटिंग से जो गुजर गया ना, जो टेली मार्केटिंग में मेहनत कर चुका है, वो एकदम पक्का टेली मार्केटिंग पक्का सेल्समैन बन जाता है। क्योंकि टेली मार्केटिंग में आप उन लोगों से मिलते हो, उन लोगों से बात करते हो जिन लोगों को आपने कभी देखा नहीं है, जिन लोगों के आपने फेस नहीं देखा है, जिन लोगों को आप जानते नहीं हो, जिन लोगों का आपको ये नहीं पता है ये रहता कहाँ है, आप उन लोगों से बात करते हो। तो टेली मार्केटिंग से भी आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो, लेकिन टेली मार्केटिंग भी आप अच्छे क्वालिटी डाटा पे करें तो वहां से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो। चौथा पॉइंट है दोस्तों कोल्ड कॉलिंग। अब कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या होता है, कोल्ड कॉलिंग आप टेली मार्केटिंग से भी कर सकते हो और कोल्ड कॉलिंग आप घर घर जाके भी कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग भी हम इसको कह सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग आप करेंगे, लोगों से जाके मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप जाके मिलेंगे उतने ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट बनेंगे आपके, उतने ज़्यादा आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर ना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा लोग मना करते हैं, 10 लोगों में से जाके एक लोग हाँ करेगा जो आपको अपना नंबर देगा। तो कोल्ड कॉलिंग करना सीखें, लोगों से जाके मिलें, लोगों से बात करें, तभी जाके आप अपने लिए कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ पांचवा तरीका, जो है आप स्टॉल लगा सकते हो एग्जीबिशन में, आप ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल लगा सकते हो, आप कैनोपी लगा सकते हो कंपनी के बाहर, आप कहीं पे किसी कंपनी में जाके वहाँ के एचआर से बात करके कंपनी के बाहर स्टॉल लगा सकते हो अपने कंपनी का, वहाँ पर आप सर्विसेज दे सकते हो, लोग आपके पास आएंगे सर्विसेज लेने के लिए। जैसे आप इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस के लिए आपके पास आएंगे कि भाई मेरी पॉलिसी है, मेरे को अपना एड्रेस चेंज कराना है, आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं क्या, मेरे को नॉमिनी चेंज कराना है, आप नॉमिनी चेंज कर सकते हैं क्या, मैं मुंबई से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया हूँ, मेरे को अपनी पॉलिसी ट्रांसफर करानी है, आप पॉलिसी ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोगों से आप बात करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आएंगे, उनकी ईमेल आईडी आपके पास आएगी, आपके पास एक डाटा बढ़ता जा रहा है, आपके पास वो लोग जुड़ते जा रहे हैं जिन लोगों से आप पर्सनली मिल चुके हो, आप उनको रिमाइंडर देंगे, उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको ग्रीटिंग्स भेजेंगे, किसी फेस्टिवल पे उनको आप मैसेज भेजेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। आज नहीं तो कल आप उनसे रेफरेंसेस ले सकते हैं, आप उनकी पॉलिसी कर सकते हैं, आप उनके रिलेटिव्स के रेफरेंसेस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीके होते हैं कि कैसे आप अपने नए नए कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप नए नए कस्टमर ढूंढ सकते हो। ये आपको ये सब तरीके अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, इनमें से अगर आपने कोई तीन तरीके भी कर लिए दोस्तों, तो आपको आपकी मंजिल तक आपको MDRT करने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। और हाँ, हर एक रात 9 बजे में अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, जहां पर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, लाइव शो के दौरान आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।